भीष्म पितामह बताते हैं कि धृतराष्ट्र ये ठीक नहीं है, सत्ता तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो ये परिवार समेट के रख सकते हो। लेकिन धृतराष्ट्र को लगता था हो सकता है लॉटरी लग जाए, मेरे वाले जीत जाएं और फिर हमारा दुर्योधन, दुशासन सब सारी दुनिया पर रूल करें और मैं एक छत्र दुर्योधन जैसे राजा का पिता महाराजा धीराज। यद्यपि आदमी अपने जीवन के अंतिम काल में जंगलों में जाकर के श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध का पाठ करके ही अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, विदुर के कहने पर, लेकिन पहले जब विदुर कहते थे तो ये बात नहीं सुनता था। जब 100 बेटों को खत्म करवा दिया, खानदान खत्म करवा दिया, सालों को खत्म करवा दिया, मित्रों को खत्म करवा दिया, भीष्म पितामह जैसे इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त महापुरुष को भी पृथ्वी से पलायन के लिए मजबूर कर दिया, कर्ण जैसे दानवीर को भी इस पृथ्वी से कलंकित होकर के जाने पर मजबूर कर दिया, तब जाकर ये समझा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, बड़ी देर भई नंदलाला, बड़ी देर भई। इसलिए समय पर निर्णय लेना बड़ा जरूरी होता है। का बरसा जब कृषि सुखानी, समय चूंकि पुनी का पछतानी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो आचार्य हैं वो 20 मिनट लेट आए हैं कथा में, 25 मिनट। दे आर सो कॉल्ड आचार्य। धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, कथा के प्रति, गुरु के प्रति, भागवत के प्रति उनकी निष्ठा कैसी है ये देखो। ये कथा तो प्रपोज थी वृंदावन में, और अब ठाकुर जी की महिमा ऐसी, पता नहीं भोलेनाथ और हमारे ठाकुर जी में क्या बातचीत हुई, और रात में कुछ बातचीत की आपस में और हमको फंसा गए। क्योंकि प्रपोज थी, संस्कार पर आप देख रहे हैं, पूरी देश और दुनिया में देख रहे हैं आप संस्कार के ऊपर, लाखों करोड़ों लोग बैठकर देख रहे हैं इस कथा को। और पूर्व से प्रचारित भी था कि वृंदावन धाम में होगी, पर ऐसी मौज, अब इन दोनों में कौन किसका इष्ट ये भी पता नहीं चलता। रामेश्वरम की स्थापना हुई तो भगवान राम से किसी ने पूछा कि भाई रामेश्वरम का अर्थ क्या है, भगवान ने कह दिया राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। वाह क्या बात है, भोलेनाथ के पास पहुंचे, महादेव ये रामेश्वर का अर्थ क्या है, बोला राम जिनके ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं और क्या है। सारी दुनिया जहां मैं में लगी हुई है, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, हमारे इनकार्नेशन अवतार, हमारे संत साधु ऋषि मुनि तत्वज्ञ वेदज्ञ सुविज्ञ, ये सब अपनी महत्ता को कम करके और कैसे श्रेष्ठ की महिमा गाई जाए इसका चिंतन करते, इसका अभ्यास करते हैं। श्रीमन महाप्रभु कहते त्रिनादपि सुनी चेदा तरोरपि सही सुनना अमानिन मान देना कीर्तनिया सदा हरि। त्रिनादपि सुनी चेना हे ओ